देख कुश्ती का भविष्य बड़ा उज्ज्वल है और लगातार 4 ओलंपिक में हमने कुश्ती में मेडल जीते हैं, 2008 में, 12 में, 16 में, अभी टोक्यो ओलंपिक में। तो फिलहाल जो कुश्ती का जो फिलहाल विवाद है ये बड़ा दुखद है हमारे लिए, और उसके बाद जो कल घटना हुई है पहलवानों के कंधे में बंदूक रख के जो चलाई गई है, ये एक षड्यंत्र है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। कि कल ऐतिहासिक दिन था हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, हमारी हमें नई संसद भवन मिली जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, और सबको पता है कि वहाँ तक जाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सामने महिला महापंचायत का आयोजन करना ये एक किसी षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसको पहलवानों को बीच में लेके पहलवानों को यूज किया गया है और देश की छवि खराब करने की कोशिश की गई। तो जो बताओ पहलवानों के साथ किया गया कल, उनका धरना पहले शांतिपूर्वक था, उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा वो लोग आवाज़ उठाने लगे थे तेजी के साथ, तो कल जो उनके साथ पुलिस ने बर्ताव किया है उस पर आपको क्या लगता है? देखिए उससे पहले पहलवान इंडिया गेट पे गए थे, बड़ा शांतिपूर्वक था, पर कल 1244 लगाई गई थी और सख्त निर्देश थे कि वहाँ तक नहीं जा सकते, और पहलवानों को मना भी किया गया था। उसके बाद पहलवान आगे बढ़े, बैरिकेड तोड़े गए जहाँ तक मेरे को सुना गया है, तो पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस को डिटेन किया है, और जहाँ पे कानून प्रक्रिया होती है बिना परमिशन के हम नहीं जा सकते, बिना परमिशन के आज यहाँ पे प्रोग्राम है तो यहाँ भी बिना परमिशन कोई नहीं आ सकता, हमें बुलाया गया, हमें परमिशन मिली है तो हम यहाँ पे आए हैं। और प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति का कोई प्रोग्राम होता है तो उसके कई किलोमीटर के दायरे तक भी कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता, तो वो चीज़ें हैं। पर इसमें मेरा मानना है कि पहलवानों को गलत तरीके से यूज किया गया, पहलवानों के कंधे बंदूक के चलाई गई है, जो बड़ा दुखद है, और ये हिंदुस्तान की छवि खराब करने की कोशिश की गई। बार बार कह रहे हैं कि उनके साथ जाती हुई है, पुलिस ने उनके साथ गलत व्यवहार किया है। आप एक पहलवान रहे हैं, आप पहलवानों के साथ हैं या किसके साथ? देखिए मैं खिलाड़ी के साथ हूँ, बात वो नहीं है, मैंने जो बात वो बताई है कि पुलिस ने मना कर दिया था, 1244 लगी थी, उसके बाद पुलिस को अपना काम करना है, पुलिस नहीं जाने देगी। पहले भी संसद में आप बताइए कोई प्रोग्राम संसद के अंदर किसी ने किया हो तो, आज तक कोई जाने दिया हो तो, पहलवान से लोग कोई जाने दिया हो तो ये चीज़ें पुलिस ने अपना काम करेगी। पर जो कल की घटना है वो बड़ी दुखद हमारे लिए। ब्रजभूषण की कुर्सी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखियो नहीं नहीं वो तो उसका टाइम पूरा हो चुका था, उसका तो वो तो वैसे भी टाइम पीरियड था 10 साल पूरा हो चुका था, आगे वो चाहता तब भी नहीं बन सकता था। जी आप एक खिलाड़ी भी हैं और खिलाड़ी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, आपका अपना क्या स्टैंड है, आप क्या चाहते हैं कि खिलाड़ियों के साथ क्या होना चाहिए? देखिए मेरा ये है कि भाई किसी के साथ कुछ गलत उसको न्याय मिलना चाहिए, पुलिस ने एफ आई आर दर्ज कर चुकी है, उसकी जांच चल रही है, अब आगे की जो कानून प्रक्रिया है वो तो कानून अपने हिसाब से करेगा। हमें अगर न्यायालय पर भरोसा है, उस न्यायालय पर भरोसा है तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, और जो उसकी प्रक्रिया है वो चल रही है, दोनों पक्ष विपक्ष दोनों के जो भी हैं आरोपी हैं जो और जो आरोप लगाने वाले उनके बयान दर्ज हो रहे हैं वो चीज़ें चली हुई हैं। खिलाड़ियों के साथ कितना खड़े हैं? देखिए अब ये कितना खड़ा होने वाली और ना वाली बात, और मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मैं वो सर्ट कमेटी का एक मेंबर रह चुका हूँ, अगर मैं किसी का भी पक्ष लेता हूँ तो दूसरा पक्ष मुझे बोलेगा कि भाई ये तो उनके साथ है, उन्होंने कुछ गड़बड़ की है। तो खिलाड़ी किसी के कहने पे क्यों धरना प्रदर्शन करेंगे सर? जैसे वो तो आप खिलाड़ी पूछे, नहीं नहीं आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, नहीं वो तो आप पूछिए उनसे खिलाड़ी किसके कहने के लिए, अब ये मैं नहीं बता सकता, पर जो कल का जो हुआ है पहले से मांग रहे तो न्याय हो तो मिलना चाहिए, और बाबे कोर्ट पे जो हमारा न्यायालय उस पर विश्वास करना चाहिए, पुलिस एफ आई आर दर्ज कर चुकी है, वो गिरफ्तार करना होगा तो गिरफ्तार करेगी, वो तो पुलिस बता पाएगी। उसकी पुलिस की कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि पहले किसान आंदोलन में भी 13 महीने लगातार वहाँ पे ऐसा बर्ताव हुआ था किसानों के साथ, अब पहलवानों के साथ? देखिए वो तो मैंने आपको जो चीज़ें हैं वो आपने बता दी, जो पुलिस की अपनी कार्य करने का काम होता है वो पुलिस काम कर रही है अपना, जो न्यायालय काम और न्यायालय कर रहा है, हमारा हम कमेटी में और सर कमेटी में थे, हमने अपना काम किया है, वीडियो रिकॉर्डिंग हमने की है, मंत्रालय को सौंप दी है, हम उसकी जो कमेटी की जो रिपोर्ट उसकी मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि उसमें एक रत्ती पर भी कोई गड़बड़ नहीं है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, अगर कोई चाहे तो उसको जांच कर सकता है। पर आप अपनी तरफ से क्या प्रयास करेंगे अगर आपको सरकार को नहीं नहीं अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई तो ये बिना ये मनगढ़ बात और ये जो बिना बात की बातें करना मेरे को नहीं आता, ये कोई कुछ ऐसी बातें आएंगी तो वो करें। आरोप ये भी लग रहे हैं कि बीजेपी अपनी सांसद को बचा रही है, हरियाणा में संदीप सिंह मंत्री को बचा रही है। देखिए यहाँ भी जांच चल रही है और मेरा ये मानना है कि गलत किया तो उसकी वो सजा भुगतेगा। ठीक है।